नमस्कार, स्वागत है इस चैनल में। जी हां, आज बातचीत करते हैं कि पूरे बिहार राज्य के अंदर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का परीक्षा फल निकला है और परीक्षा फल निकलने के बाद छात्रों का जोश बढ़ गया क्योंकि उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। वैसे में नालंदा जिला टॉपर की बात करते हैं तो नालंदा जिला का टॉपर हिलसा के चिकसारा थाना के हाई स्कूल दल्लीबुआ के चिकसारा के टॉपर में आए हैं। आपको बता दे रोहित राज। जी हाँ, आपके सामने आज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। रोहित राज जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बधाई, आपके पिताजी को बधाई, सर को बधाई, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबको बधाई। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोहित राज जी की, आप अपने पढ़ाई लिखाई जीवन में कहाँ से स्टार्ट किया, कौन से विद्यालय से स्टार्ट किए और आप इस लेवल तक पहुंचे। सबसे पहले तो मुझे इस बात को जानकर बहुत ही खुशी हुई कि मैं पूरे नालंदा जिला में टॉप आया हूँ और मुझे बचपन से चाहना थी कि मैं पढ़ लिखकर कुछ बड़ा आदमी बनूं। मेरी माँ, मैं जब 6 वर्ष का था तो मेरी माँ गुजर गई थी, तभी से मेरे पिताजी ने खूब मेहनत कर मुझे पढ़ाया और घर के जितना भी परिवार को चलाया और वो बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। मैं अपने पिताजी के लिए बहुत ही खुशगवार हूँ कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मैंने अपने जीवन की पढ़ाई की शुरुआत डीएवी स्कूल से की थी और मैं 1 क्लास से 8 क्लास तक डीएवी स्कूल में पढ़ा था। मैंने बहुत ही मेहनत से वहाँ पढ़ता था और हर बार मैं अपने क्लास में फर्स्ट आता था। मुझे बचपन से चाह थी कि मैं बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर बनूं क्योंकि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं और मैं अपने देश की जो भी व्यवस्था है, जो मुझे लगता है कि अभी जिसे सुधारने की आवश्यकता है, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। इसीलिए मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं ताकि मैं अपने देश में बहुत सी जो कमियां रह गई है, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या फिर कोई भी जो जन सुविधाओं में जो कमियां रह गई, मैं उसको पूरी कर सकूं एक आईएएस ऑफिसर बनकर। सबसे पहले परिवार को धन्यवाद, पिताजी को धन्यवाद। कैसा अनुभव कर रहे हैं इनके पिताजी हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं सर? मैं तो बहुत अच्छा खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। पूरे इस कस्बे में, इस मोहल्ले में कैसा माहौल है? आपके पुत्र लाए हैं, नालंदा जिला टॉपर बने हैं, कैसा माहौल? तो बहुत अच्छा खुशहाल है और मुझे भी जानकर खुशी हुई कि मेरे लड़का ने जो मेहनत करके पढ़ाई किया उसका असली पारिश्रमिक उसको प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं पढ़ाई का माहौल किसी का प्रेरणा का स्रोत होता है और शिक्षक के मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं बेहतर होते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक जो खासकर अपना बन जाते हैं और सही गाइडलाइन के साथ करते हैं, वैसे में आपके कौन शिक्षक रहे हैं? जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था कहीं कोचिंग या क्लासेस तो स्कूल के अलावा, काहे कि 9th में तो आप हाई स्कूल दल्लू बिहार में आप चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गाइडलाइन करने के लिए कोई शिक्षक होगा, कोई क्लासेस होंगे? हाँ, तो मैं डीवी कोचिंग सेंटर जो हिलसा में ही आर समाजगढ़ में स्थित है उसके संस्थापक पवन सर ने मुझे हमेशा गाइडलाइन दिया। कौन से कोचिंग चलाते हैं? डीवी कोचिंग सेंटर, और उन्होंने हमेशा मुझे गाइडलाइन दिया और वो पूरे विश्वास के साथ मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो भी मुझे पूरा जोर दे रहे हैं कि मैं आगे जाकर एक आईएएस ऑफिसर बनूं और इस चीज में वो मेरा पूरा सहयोग दे रहे हैं और आगे जाकर भी वो मुझे गाइडलाइन देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, हम लोग के बीच पवन सर भी हैं, क्या कहेंगे सर? मेरा यही उम्मीद है कि मेरा विद्यार्थी जाकर के आगे भविष्य में देश और समाज की सेवा करे, मेरा हमेशा उसके साथ। क्या लगता था सर क्लास में जब पढ़ते थे तो क्या लगता था कि आपका जो शिक्षक है वो क्या कर पाएंगे? हमेशा क्लास में शांतिपूर्वक व्यवस्था जो था पढ़ाई लिखाई के संबंध में, वो हमेशा बेचारा बहुत अच्छा रहता था और हमेशा पढ़ाई के संबंध में ही कोई भी बात होती थी वो करता था, उसके अलावा विशेष कोई बात उससे नहीं होती। एक और भी सर, हम जानेंगे सर से राय, क्या कहेंगे सर इसमें? ये बच्चा सर, मैंने जो देखा है कि एक व्यू है इसका, एक मिशन है और सारे सब्जेक्ट पर, एक तो मैंने बच्चों का देखा कि ये जो पढ़ता भी है और जो भी इनके जो अपने छोटे स्टूडेंट्स है या छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको वो पढ़ा भी रहा है। इससे क्या है कि उनके सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ है, तो हर एक अच्छी पकड़ होने के कारण इस बच्चे में देखिए कि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि उनका इंटरव्यू भी हुआ था जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है। और विजन सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में विजन क्या होना चाहिए, कैसा विजन होना चाहिए, तो ये समाज का उद्धार, समाज सेवा, क्योंकि भाई आईएएस हर कोई बनना चाहता है पर किसी का ये नहीं होता है कि हमें आईएएस बनके क्या करना है, इस कम उम्र में बच्चे ये सब नहीं सोच पाते, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। और मैंने
बस यही गाइड कर रहा हूँ, सर ने अभी तक सर ने गाइड किया, अब हमारे पास आया बच्चे तो हम इसको गाइड कर रहे हैं कि आगे कैसे करना है आईएएस, क्योंकि मेरा अंकल भी क्योंकि आईएएस ऑफिसर है तो उनसे काफी कोचिंग चलाते हैं सर। जी सर, कोचिंग मैं शांति क्लासेज कोचिंग में है अभी बच्चा, तो हम लोग इसके आगे का फ्यूचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं और मतलब कैसे आगे आईएएस तक इसको कैसे पहुंचाना है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग बच्चों को गाइड कर रहे हैं। रोहित जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको जब कॉल करके, क्योंकि बिहार बोर्ड का एक सिस्टम आ गया कि जो भी टॉपर्स आते हैं टॉप 10 के अंदर में जिला में आते हैं उनको बुला के काउंसलिंग के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे सवाल आते थे सामने में और कैसे जवाब दे पाते थे? सबसे पहले तो मुझे जब बिहार बोर्ड से कॉल आया था तो मुझे घबराहट सी हुई थी, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैंने मुझे बिहार बोर्ड से मतलब फोन आया, परंतु जब मुझे पता चला कि मेरा नाम टॉपर लिस्ट में है तो ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और उसके बाद मैं बोर्ड ऑफिस गया तो वहाँ बहुत सारे स्पेशलिस्ट प्रोफेसर बैठे हुए थे और वे अलग अलग सब्जेक्ट से मुझे क्वेश्चन पूछते थे, मैंने प्रत्येक सवाल का उचित जवाब दिया और उन्होंने भी मुझे अपने जवाब के लिए अच्छा सा कहा और मुझे आगे बढ़ने के लिए। सबको धन्यवाद देते हुए अंतिम सवालों पे चलेंगे कि जो आज यूट्यूबर जो भी देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, पूरे हिलसा नालंदा बिहार के अंदर में जो देख रहे हैं, उन छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि आप जैसा टॉपर बने तो क्या कहेंगे? मैं सभी अपने भाइयों और बहनों छात्रों जो अगले वर्ष भी परीक्षा देंगे बिहार बोर्ड, और मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई के अलावे किसी भी क्षेत्र में मतलब कोई भी ऐसा काम हो जिससे कि पढ़ाई से रिलेटेड ना हो उसमें नहीं जाए तो भी अच्छा है, और जहां तक टेंथ की बात है तो आप पूरे लगन से पढ़ें और किसी भी सब्जेक्ट को कम ना समझें, क्योंकि टेंथ तक प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर मान्यता प्रदान की गई है, तो उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट पर अपना जरूर ध्यान दें और कम से कम आधा घंटा, दिन में कम से कम आधा घंटा तो उस प्रत्येक सब्जेक्ट पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। ये नहीं कि मेरा मैथ कमजोर है तो मैथ पर ज्यादा ध्यान दें, हिंदी कमजोर नहीं है, हिंदी मेरी मातृभाषा है तो हिंदी पर उतना ध्यान नहीं दें, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट पर उचित समय देना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो उसमें आगे बढ़ना चाहिए और प्रयास अपना पूरा प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास में थोड़ी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।